औरैया जिले के दिव्यापुर थाने में जिला के सभी पत्रकारों ने धरना शुरू कर दिया। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहने का ऐलान भी किया। आपको बता दें बीते दिनों हिंदी दैनिक समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु गुप्ता के घर में दिव्यापुर थाना इंचार्ज ने घुसकर परिवारजनों के साथ मारपीट की और उन्हें अपराधियों की तरह थाने ले आए और प्रताड़ित किया। वहीं मामला महज इतना था कि नगर पंचायत ने पीड़ित पत्रकार के आवास की जगह को नोटिस देकर अपनी जमीन करार दिया। जब यह नोटिस मिला तो पीड़ित पत्रकार ने हाईकोर्ट से स्टे 2011 में लिया। इसमें साफ शब्दों में यह लिखा कि नगर पंचायत इस जमीन में हस्तक्षेप न करे। इसके बावजूद नगर पंचायत ईओ और एसओ दिव्यापुर ने पीड़ित के घर घुसकर जमकर मारपीट की और फर्जी मुकदमे की धमकी देकर थाने ले आए। थाने में लाने के बाद उनके साथ टॉर्चर कर बद्दी गालियां दी। जब घटना की जानकारी जिले के सभी पत्रकारों को मिली तो चंद घंटों में सभी पत्रकारों ने थाने का घेराव कर पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही। थाने में मौजूद सीओ वंदना सिंह और सदर एसडीएम अमित राठौर ने सभी पत्रकारों की बात सुनी, लेकिन अभी तक थाना इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के कारण जिले के सभी पत्रकारों ने थाने में धरना जारी रखा। सभी की मांग है कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।